What is this? Seashell? This is seashell? Wow! A beautiful girl is collecting seashell here. Banda ja raha hai. Bande ke peeche lage hue hain pankhe. Paratha paratha laga hua hai. So guys, ye dekho. जैसे इसमें ट्रैम्प कहते हैं, ट्रैम में बच्चे को ले जाते हैं, वैसे वो डॉगी को ले जा रही है. सो स्वीट यार. क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ थाईलैंड की सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा. कोशिश कर रहा हूँ सारी आपको बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाऊं. तो आज मैं आया हुआ हूँ जोमटियन बीच. काफी फेमस बीच है ये पटाया में. यहाँ पे ज्यादातर फॉरनर्स क्राउड रहता है, तो फॉरनर्स दिख रहे हैं. बॉडी बिल्डर भाई भी अपना सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं. बीच दिखाता हूँ बैक कैमरा करके. तो दोस्तों ये है जोमटियन बीच, और ये देखो क्या व्यू है यार. क्लाइमेट कितना अच्छा है और लेस क्राउडेड रहता है ये, तो इसलिए यहाँ पे आ गए हैं हम. और ये देखो, वाह यार, व्हाट ए ब्यूटी. बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है. तो गाइस ये देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता. बहुत पीस है, बहुत सुकून है, अलग ही लेवल का मज़ा है. ये देखो, तो जोमटियन बीच है. बीच काफ़ी अच्छा है गाइस, और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं सारे, तो मज़ा आने वाला है यार. आपको वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कर देना लाइक, और 1200 फॉर जेट स्की. ऑल राइट ऑल राइट, हाफ आवर. तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी है, जो मैंने पूछा जेट स्की होगी, स्मॉल वाली 800 की, बड़ी वाली 1200 की, और आधे घंटे के लिए. तो यार बीच कैसा है लाला? बीच बहुत साफ सुथरा है, एकदम हाइजीनिक. मजा आ रहा है यार, और यहाँ क्या वाइब्स आ रही है मैं बता नहीं सकता यार. और यहाँ पे तो मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है. ये फैमिलीज आई हुई है, देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं. जैसे जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो जो मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ, सारी चीज़ कोशिश है आपको दिखाने की. पहले भी आपको दिखा दी पटाया नाइट लाइफ की. मेरी थाईलैंड की सीरीज आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, और प्लेलिस्ट चेक कर लेना. सारी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ. हमने टाइगर पार्क कर लिया, फ्लोटिंग मार्केट कर ली, वॉकिंग स्ट्रीट दिखा दी आपको पटाया की. तो ये जोमटियन बीच आया हुआ हूँ मैं. मुझे किसी ने बताया बहुत फेमस है, आपको जाना चाहिए, तो मैंने कहा आते हैं और आपको भी दिखाते हैं. तो यार बीच तो वाकई में सुंदर है, शांति यार अलग ही है. व्हाट इज दिस? सीशेल? दिस इज सीशेल? वाओ, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कलेक्टिंग सीशेल हेयर. वाओ, दिस कैसे छाट रही है, ये समझ नहीं आ रहा. चलो, तो दोस्तों ये सीशेल है. ऊपर ये क्या भाई, सांप लग रहा था मेरे को दूर से. वो सांप वाप लग रहा था दूर से, फट गई. तो दोस्तों अभी आगे हो रही है जेट्स की, हो रही है, देखते हैं पता करते हैं. दोस्तों बिल्डिंग देखो यार, साइड की बिल्डिंग कितनी प्यारी है, मजा आ गया यार, दिल खुश हो गया. ये जैसे गोवा में एक्टिविटीज होती है ना दोस्तों, ये बनाना राइड, ये वाली भी करी है, वो जेट्स की हो गई. जेट्स की का रेट बता तो दिया उसने. वो देखो गाइस, जोमटियन बीच में आपको दिखा रहा हूँ, वो लेके जा रहे हैं, राइड कर रहे हैं. तो दोस्तों ये देखो यार, पैरा मोटरिंग दिखा रहा हूँ आपको. इसमें ना कुछ वो लगा हुआ है, पता मुझे भी नहीं, बाकी आप देखो. हाँ, पंखा लगा हुआ है. ये देखो गाइस, बंदा, ये बंदा जा रहा है, बंदे के पीछे लगे हुए हैं पंखे. पराठा पराठा लगा हुआ है, पराठा पराठे वाला है ये. बढ़िया लगा. तो दोस्तों अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा यार अच्छा लग रहा है यहाँ पे जोमटियन बीच पे, एकदम सुकून है. और ये देखो पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको,
बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है और सामने ये व्यू है और सनसेट देखो यार, ब्यूटीफुल सनसेट। है जोमटियन बीच और इसके साइड में हम चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा साफ सुथरा बीच है, आपको दिखा दिया। यहाँ पे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, और इस तरफ आपको मार्केट देखने को मिलेगी। तो यार जिन लोगों को थोड़ा पीस, थोड़ा शांत, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं वो यहाँ आ जाओ। और क्राउड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ज़्यादातर आपको फॉरनर्स मिलेंगे क्योंकि फॉरनर्स को ना लेस क्राउड पसंद होता है, वो आराम से आते हैं चिल करने, रिलैक्स करने। ये देखो ये चल रही है वॉलीबॉल गेम यहाँ पे। गाइस यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला, ये कह रहे हैं वॉलीबॉल खेल लो साथ, तो ये कह रहे हैं आई लुक लाइक योर फ्रेंड। ये लुक लाइक सैम, लुक लाइक सैम, इनका फ्रेंड सैम, सैम भाई एम टॉय। तो दोस्तों मजा आ गया यार इनके साथ वॉलीबॉल खेला, लोग यार काफी अच्छे हैं, कह रहे साथ में खेलो, पूरा मैच देख रहे थे। नाइस, बढ़िया, आई प्ले गुड, या गुड, थैंक यू, पूरा मैच देखा भाई है। चलो यार मजा आया, कैलोरीज काफी बर्न होगी। ये देखो दोस्तों जोमटियन बीच दिखा रहा हूँ इस वक्त, मजा आया काफी यार वॉलीबॉल खेल के, इनके साथ लोग भी अच्छे थे। चलो चलते हैं कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। 5 minutes later तो दोस्तों वॉलीबॉल खेल के आए थे, भूख लग गई है, तो यहाँ पे ये सी फूड है, दिस इज ओस्टर, वाओ खुशबू तो अच्छी आ रही है, सी फूड कह रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है यहाँ का सी फूड। सो बात का, व्हाट इज दिस, अच्छा स्पाइसी, ये वो है तीखी चटनी, लेस लेस, और ये देखते हैं क्या डाल रहे हैं इसमें, डाल के मिक्स करेंगे क्या, व्हाट इज दिस, सेम 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 सेम, ओके स्पाइसी, या नींबू 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 दिखा रहे हैं। तो गाइस ये है सी फूड, ओइस्टर कहते हैं, गूगल कर लेना, हमें तो पता नहीं, कह रहे सी फूड है, ट्राई करते हैं। चलो ये ले लिया हमने और लेते हैं रिव्यू। लाला ये है टेस्ट भाई, बनाया बढ़िया एकदम फ्रेश। तो दोस्तों बनते हुए तो मैंने आपको दिखा दिया, तो ऐसी चीज़ माना जिंदगी में नहीं खाई, पहली बार खा रहा हूँ और स्वाद आ गया वाकई में, कोई जवाब ही नहीं, टक्कर ही नहीं। भाई से और पूछते हैं कैसा भाई, इतना स्वाद है ना मैं बता नहीं सकता। तो आप इधर आओ ना पटाया में जोमटियन बीच, तो ओइस्टर सलाद जरूर ले लेना, जिंदगी का मजा आ गया। ली है ब्रेड और वो लिया हमने चॉकलेट सॉस, तो ये है ब्रेड और चॉकलेट सॉस अपनी बन रही है, दिखाते हैं आपको, साथ में आपको खाने का भी बता रहा हूँ। देखो जो जो थाईलैंड में चीज़ें होती है, घूमना फिरना, जगह, खाना पीना, सारी चीज़ों की वो दे रहा हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन। तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल से जुड़ जाओ। और ये देखो जैसे अपने वहाँ पे वड़ा पाव होता है ना, वड़ा पाव है, ऊपर डाल रखी चॉकलेट सॉस और बटर, स्वाद आ रहा है। ओके रिपोर्ट है लाला, खुश है, बढ़िया है ये, तो ये भी आप ट्राई कर लेना, दिखा देता हूँ आपको ये। तो ये देखो ये है ब्रेड विथ टॉपिंग सॉस, आप अपनी मनपसंद की सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने तो चॉकलेट बोल दी थी। और ये ऐसे ब्रेड पे ये आपको सारी टॉपिंग्स है, ये आपको ब्रेड पे लगा के दे देंगे। नाइस, टेस्टी,